ग्लोबल शेयर में एक बार फिर से आज की वीडियो के अंदर हम आपको गूगल सर्च कंसोल के एक और फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से समय को ख़राब ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम और अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गूगल साइट लिंक सर्च बॉक्स क्या होता है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पर बात करने से पहले आपको इससे आगे की तरफ लेकर चलेंगे, जहाँ पर सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस आते हैं और उसके नीचे लीजेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स आती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पहले आज बताने वाला हूँ मैनुअल एक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर सर्च सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस होता है। यहाँ पर जब आप मैनुअल एक्शंस पर क्लिक करते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर कोई इशू आता है तो आपको उसे ठीक करने के लिए गाइड देनी होती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे इसमें कोई इशू नहीं है, तो अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पर देखा भी गया है कि गूगल सर्च कंसोल में अगर आपकी वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है, कोई इसमें इशू नहीं है, तो यहाँ पर नो इशू डिटेक्टेड होगा। तो हमारी जो वेबसाइट है प्राचीनजगत.com, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू अभी गूगल को डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है सिक्योरिटी इश्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ में भी किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी इशू यहाँ पर इन्हें डिटेक्ट नहीं हुआ है हमारी वेबसाइट के अंदर। इसके बाद आप अगर नीचे आएंगे यहाँ पर लीजेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर, लीजेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर आने के बाद आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए इंटरनेशनल टारगेटिंग में लिखा हुआ है लीजेसी रिपोर्ट्स एंड टूल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोमेन प्रॉपर्टीज़। यानी जो डोमेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यहाँ पर वेबसाइट हैं और ब्लॉग हैं, इनके लिए लीजेसी रिपोर्ट और टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो इसे हम यहाँ से डिसमिस कर देंगे। इसके बाद आता है मैसेजेस। तो उसमें भी मैसेजेस में यही चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि रिपोर्ट्स और टूल्स अवेलेबल नहीं है डोमेन प्रॉपर्टीज़ में मैसेजेस के लिए। इसके साथ ही URL पैरामीटर्स के लिए भी यही चीज़ लागू होती है, और इसके बाद जो है वेब टूल्स के लिए भी यही चीज़ लागू हो रही है। अब हम यहाँ पर लर्न मोर करके देख लेंगे इसे कि लर्न मोर में आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक लोड हो रहा है लीजेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स। दीज टूल्स एंड रिपोर्ट्स डू नॉट येट हैव ए फुल रिप्लेसमेंट इन न्यू सर्च कंसोल बट कैन स्टिल बी रीच्ड एट द लिंक्स गिवन बिलो। द सर्च कंसोल टीम इज वर्किंग ऑन ए रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी फॉर दीज आइटम्स। यहाँ पर देखिए robots.txt टेक्स्टर URL पैरामीटर्स, इसके साथ ही इंटरनेशनल टारगेटिंग डीबग HREF लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम मल्टीलिंगुअल साइट और सेट ए कंट्री टू टारगेट इन योर सर्च रिजल्ट। तो ये इंटरनेशनल टारगेटिंग के लिए कोई फीचर है, तो इसमें अभी किसी प्रकार का कोई हमें यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि ये लीजेसी टूल्स और रिपोर्ट्स क्या होते हैं और सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस क्या होते हैं, इन पर आपको किस तरीके से अगर आपका कोई इशू भी डिटेक्ट हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी भी यूजर को, जो भी यूजर वीडियो देख रहा है, उन्हें किसी प्रकार का मैनुअल एक्शन और सिक्योरिटी इशू जारी हुआ है, यहाँ पर कोई इशू है, तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप तक हम इसी प्रकार की और भी नई नई वीडियो लेकर आ सकें। अगर आपके गूगल सर्च कंसोल में या फिर आपके वेबसाइट में किसी भी प्रकार का कोई इशू है और आप उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके इसी वीडियो के कमेंट के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको समाधान जरूर बताऊँगा और आपकी हेल्प जरूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।